हेलो एवरी वन वेलकम टू दिल चैनल ऑफ विक्टर एडुकेटर्स दिस इज नीलम योर मैटर फॉर इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदी एडिटोरियल सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द टाइटल इज फ्रेश विस्टा फ्रेश मतलब की न्यू एंड विस्टा विच मीन्स व्यू हिंदी में कहे तो दृश्य सो नया दृश्य है ऑन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में कुछ यहाँ पर बात की जा रही है so, so, पार्लियामेंट बिल्डिंग को रिवाइव करने की बात की जा रही है ये सेलिब्रेशन का पात्र तब होगी जब सभी के पास अच्छी हेल्थ होगी एंड प्रोस्पिरिटी होगी यहाँ पर एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच यह हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी प्रोस्पिरिटी का मतलब होता है समृद्धि या हम इसे कह सकते हैं सक्सेस सफलता सो so, नया पार्लिम नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग को नया बनाने की जो बात की जा रही है ये सेलिब्रेशन का पात्र तब होगी जब सभी के पास अच्छी हेल्थ

कि जो हर सिटीजन प्राउडली क्लेम कर सके मतलब हर सिटीजन प्राउडली गर्व से दावा कर सके एज अनादर एडिफिस ऑफ अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी कि ये एक अनादर एडिफिस है एडिफिस विच मीन्स बिल्डिंग और हम इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर कि हर इंडियन एक हर सिटीजन दावा कर सके एज अनादर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है ऑफ क्या थ्राइविंग डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी जो थ्राइव कर रही है जो यहां पर हम इसे कह सकते हैं ऐसी डेमोक्रेसी जो ग्रो कर रही है जो प्रोस्पो कर रही है ओके सो ग्रो प्रोस्पो एंड हम कह सकते हैं इसे सक्सेस फ्लरिश दिस दिस ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ वर्ड थ्राइव और थ्राइविंग इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अकॉर्ड रिफ्लेक्टिंग अ प्लूरलिस्टिक प्रोग्रेसिव एथोल्स सो ये एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए एकॉर्ड के लिए एन एकॉर्ड एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट मतलब सहमत होने के लिए रिफ्लेक्टिंग प्लूरलिस्टिक जो रिफ्लेक्ट कर रही है प्लूरलिस्टिक प्रोग्रेसिव एथोस अब यहां पर बात करें इस वर्ड प्लूरलिस्टिक की विच मींस different ideas कह सकते हैं so यहाँ पर different different people है and different different people के different different ideas approaches होते हैं लेकिन बोला जा रहा है कि इतने differences के बावजूद भी हमारे लिए ये एक opportunity है agree करने के लिए एंड प्रोग्रेसिव इथोस इथोस का मतलब यहाँ पर होता है स्पिरिट या कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी हमारे लिए ये एक मुद्दे पर एग्री करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है येट द सेरिमनी इज नाउ पॉइस टू टेक प्लेस अंडर द शैडो ऑफ लिटिगेशन विद सुप्रीम कोर्ट अलाउंग द इवेंट टू बी हेल्ड आउट टेम्परली

अंडर द शेडो ऑफ लिटिगेशन एंड लिटिगेशन का मतलब यहां पर होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन या जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में मुकदमा so, इसे हम कह सकते हैं लीगल एक्शन सो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो सेरेमनी है ये पॉइस टू टेक प्लेस अंडर द शेडो ऑफ लिटिगेशन मतलब मुकदमा किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अलाउिंग द इवेंट टू बी हेल्ड सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है अलाउ करते हुए इस इवेंट को टू बी हेल्ड की ये हेल्ड मतलब ये इवेंट किया जा सकता है जो पार्लियामेंट को रिवाइव करने की बात की जा रही है बट टेम्प्ररीली टेम्प्ररीली मतलब अभी के लिए रेस्ट्रेन कर दिया है एंड रेस्ट्रेन मतलब होता है किसी चीज को रोक देना प्रिवेंट कर देना या कर या कंट्रोल कर देना ओके okay? तो प्रिवेंट और कंट्रोल सो so अलाउ तो कर दिया है लेकिन टेम्प्ररी इसे कंट्रोल या प्रिवेंट कर दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉम मेकिंग साइडरेशन इन दी फॉर्म ऑफ एडिशन एंड डिमोलेशन सो यहाँ पर फ्रॉम एक प्रिपोजिशन है सो so इसके बाद वर्ब की आई एनजी फॉर्म आती है सो so, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक दिया है प्रिवेंट कर दिया है ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है चेंज करने में इन द फॉर्म ऑफ एडिशंस इन द फॉर्म ऑफ एडिशंस एंड डिमोलिशंस मतलब कि यहाँ पर ये यह जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें कुछ नए एडिशंस नहीं होने चाहिए कुछ नई चीजें नहीं करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एंड डिमोलिशंस डिमोलिशन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना और हम कह सकते हैं रूइन रेज दिस ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ डिमोलिशन कि ना तो कोई चीज यहाँ पर एड की जाए ना तो जो स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग है इसे डिस्ट्रॉय किया जाए ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूड रिमूवल ऑफ ट्रीज की जो कंटिन्यू ट्रीज को रिमूव किया जा रहा है इसे भी सेंट्रल सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है एंड यहां पर आप देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है आगे देखते हैं द न्यू बिल्डिंग विच इज अ पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एम्बिशियस प्लान टू मॉडिफाई सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ ल्यूटी डेली विल कॉस्ट एस्टिमेटेड नाइन करोड़ सेवेंटी वन क्रोर एंड बी एबल टू अकोमोडेट अ मच लार्जर नंबर ऑफ एमपीस एट 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 इन दी लोकसभा एंड थ्री एटी फोर इंडी राज्यसभा सो so, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो न्यू बिल्डिंग की बात की जा रही है विच इज अ पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी एम्बिशियन प्लान एंड ये जो नई बिल्डिंग बनाने का जो प्लान है ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के तहत ये एम्बिशियस प्लान के तहत ये सारी चीजें होने जा रही है टू मॉडिफाई मॉडिफाई किसे सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन लूटेंस डलीस सो यहां पर अगर बात करें ये जो सेंट्रल विस्टा स्काईलाइन ऑफ दिल्ली ये कुछ नहीं बट ये पार्लियामेंट को ही बोला जा रहा है है एंड इसकी जो कॉस्ट होगी पार्लियामेंट को रिवाइव या न्यू बनाने की ये कितनी होगी 971 करोड़ होगी एंड विल बी एबल टू अकोमोडेट एंड इसमें कितने लोग अकोमोडेट मतलब होता है कि फिट हो पाएंगे या बैठ पाएंगे सो so, यहाँ पर फिट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं शेल्टर या सीट इस सब इस वर् इस वर्ड के सारे सारेम्स होंगे एंड इस जो न्यू बिल्डिंग है इसमें अ मच लार्जर नंबर ऑफ एम्पीज एंड यहां पर आप देख पाएंगे ये मच आ रहा है इसलिए जो एडजेक्टिव आया है यहाँ पर ये यह कंपेरेटिव डिग्री का है अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में होता मतलब कि सिर्फ लार्ज होता तो यहाँ पर वेरी होता लेकिन क्योंकि ये एड्जेक्टिव कंपेरेटिव फॉर्म है इसलिए इसके पहले यहाँ पर मच यूज किया गया है या मच की वजह से कम्पेरेटिव फॉर्म में जो भी आप, आप कह सकते नंबर ऑफ एम पी एट एटी एट 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 लोकसभा में एमपीजेट uh, हो पाएंगे एंड थ्री एटी फोर जो है ये राज्यसभा में अकोमोडेट हो पाएंगे जस्ट वीक्स एगो द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री सेट दल कॉस्ट ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विस्टा हैड नॉट बीन कैलकुलेटेड But the plan is estimated to run into thousands of crores, involving, among the other things, a new central secretariat and offices and residences of vice president and prime minister. काफी बड़ा सेंटेंस है ये so, सो यहां पर बोला जा रहा है कि जस्ट वीक्स एगो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है देखिए यहां पर ये यह, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट से टेंस में बिकॉज यहाँ पर एगो वर्ड आ गया सो so, जो ये सेंटेंस है ये वर्ब है ये सिंपल पास्ट में होगी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ री डेवलपमेंट डेवलपमेंट के पहले री आ गया है एंड इस प्रिफिक्स का मतलब होता है फिर से जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा अगेन विच मीन्स पार्लियामेंट हैड नॉट बिन कैलकुलेटेड एंड अभी तक कैलकुलेट किया नहीं गया है बट ये जो प्लान है एस्टिमेटेड टू रन इनटू थाउजेंड ऑफ क्रोर एंड यहां पर ये जो प्लान होगा ये रन इन टू रन इन टू इज फ्रेज़ ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है टू रीच अ पर्टिकुलर अमाउंट टू रीच अ पर्टिकुलर अमाउंट सो ये जो एस्टिमेटेड प्लान है जो एस्टिमेट है ये पर्टिकुलरली थाउजेंड्स ऑफ क्रोर तक रीच हो सकता है इनवॉल्विंग so, अमंग्सेंट्रल पर और क्या क्या चीजें होंगी पार्लियामेंट के साथ साथ अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरिएट एंड ऑफिस एंड रेसिडेंस बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर मतलब ये सारी चीजें भी होने वाली है इन एडिशन टू द रिवाइवल ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड एपोकल प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट यहां पर नाउन है So, this apocal is adjective here. And ये जो एपोकल वर्ड है ये आता है एपोक से and यहाँ पर अगर बात करें तो so, मतलब यहाँ पर होता है टाइम या हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर पीरियड या हम कह सकते हैं इसे एज सो so, यहाँ पर ये एपोक नाउन होता है सो so, यहां पर लेकिन इसका एड्जेक्टिव फॉर्म यूज किया गया इपोकल एंड इपोकल विच मीन्स यहां पर इसका मतलब हो रहा है सिग्निफिकेंट कि सिग्निफिकेंट मतलब कि काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट है टाइम फॉर कंप्लीशन अहेड ऑफ सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 2020 मतलब कि जो सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी होने वाली है 2022 में इसके पहले इस इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात की गई है इट एंड ये काफी रेयर मूवमेंट टू इन्वॉल्व एंड बिल्ड अ कंसेंसस एंड ये एक बहुत रेयर मूवमेंट है जिसमें सिटीजन को भी इन्वॉल्व किया गया है, uh, मतलब है? सहमति या इसे हम कह सकते हैं आम सहमति मतलब सभी लोग जब एक मुद्दे पर सहमत होते हैं इसे हम कहसे कहते हैं कंसेंसस बट द गवर्नमेंट इज नाउ प्रेसिंग अहेड एट अ चीयरलेस टाइम वेन द कंट्री रिमेन्स डिसमेड ओवर अंगोनोमी एंड डबल ब्लो ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडमिक लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इज नाउ प्रेसिंग अहेड मतलब की ये आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे ऐट चीयरलेस टाइम चेयरलेस टाइम है, है ये काफी निराशाजनक टाइम है काफी दुखी टाइम है लोगों के लिए क्योंकि जब कंट्री डिसमेड एंड यहाँ पर डिसमेड का मतलब होता है जब कंट्री कंट्री डिस्ट्रेस में है या हम कह सकते हैं कंट्री एंगजाइटी में है चिंता में है ओवर स्लोइंग इकोनॉमी क्योंकि इकोनॉमी जो है ये काफी स्लो हो चुकी है एंड द डबल ब्लो एंड डबल ब्लो हियर इज अ फ्रेजल वर्ब या जिसे हम कह सकते हैं ईडियम है एंड जिसका मतलब होता है कि जब दो बैड चीजें एक साथ होती है जब दो कोई निराशाजनक चीज है और वी कैन से टू बैड थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम देन इट इज डबल ब्लो ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडेमिक क्योंकि कोविड नाइनटीन पैंडेमिक जबकि यहाँ पर कोविड नाइनटीन पैंडेमिक से सारे लोग कैसे डिस्ट्रेस है एंग्जाइटी में है सो तो इस टाइम पर जो गवर्नमेंट है ये प्रेस एहेट कर रही है मतलब कि आगे बढ़ रही है सो so, आगे देखते हैं इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट इवन विद द विद्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ ऑफ द इकोनॉमी इन अ पोस्ट वैक्सीन एरा द डेबिलिटेशन नॉट बी इजीली ओवरकम सो यहां पर बोलेंगे इट इज रीजनेबल एंड रीजनेबल एक एडजेक्टिव होता है बिकॉज इट एंड्स विद एबल या बी एल ई सो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लॉजिकल या हम कह सकते हैं राइट right? हिंदी yeah, में से कहेंगे तो उचित है ये अज्यूम करना अज्यूम मतलब सपोज करना सोचना दैट कि इवन विद द स्ट्रांग रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी अगर इकोनॉमी का स्ट्रांग रिवाइवल हो भी जाता है पोस्ट वैक्सीन एरा की वैक्सीन आने के बाद लेकिन फिर भी डेबिलिटेशन कैन नॉट बी ईजिली ओवरकम एंड डेबिलिटेशन मतलब क्या होता है कि जो डेबिलिटेशन का मीनिंग यहाँ पर होता है टू मेक समथिंग वीक या जो ये जो वीकनेस है इस वीकनेस को हम फिर से ओवरकम नहीं कर सकते इवन इवन पोस्ट वैक्सीन मतलब वैक्सीन निकलने के बाद अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है रिवाइव भी हो जाती है फिर भी ये जो वीकनेस है इसे हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन सो फारे लार्जली बिन टू एनकरेज प्राइवेट कंजम्शन एंड मॉडेस्ट अराइवल सॉरी रिवाइवल ऑफ बिजनेस वेल इट्स ओन कंजम्शन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दर्स्ट हाफ ऑफ दर है प्रीवियस इयर सो बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंटरवेंशन मतलब होता है इंटरफियरेंस um, जो था इंटरवेंशन का मतलब ही इंटरफेरेंस होता है एंड अभी तक जो इंटरफेरेंस रहा है गवर्नमेंट का ये लार्जली ज्यादातर किस पर रहा है प्राइवेट कंजम्पशन को एनकरेज करने में प्राइवेट कंजम्पशन को ही एनकरेज करने में आगे बढ़ाने में एंड मॉडेस्ट रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस का जो रिवाइवल है ये काफी कैसा था मॉडेस्ट था मतलब कि काफी कम था वेल इट्स ओन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड उसका जो जो गवर्नमेंट का खुद का जो कंजम्प्शन का एक्सपेंडिचर था ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द ईयर मतलब कि ईयर के फर्स्ट हाफ में सिक्स मंथ में हैज बिन बिलो दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर की अगर बात करें इसी सेम इस टाइम की सो so उससे काफी कम था बिलो था दिस इन इफेक्ट एनश्योर दैट परसिस्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट जी डी पी कॉन्स्ट्रेक्शन यही बताती है कि परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली सिग्निफिकेंट uh, मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफी बड़ा एंड कॉन्ट्रेक्शन मतलब की कम होना सो so जीडीपी के कॉन्ट्रेक्शन के तरफ ये चीजें हमें इशारा कर रही है इवन ऑन द्वेश्चन ऑफ फ्री कोविड नाइनटीन वैक्सीन द गवर्नमेंट हैज बीन प्री वेटिंग विथ नो एश्योरेंस ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सो इवन अगर बात करें कि क्वेश्चन अराइज हुए थे कोविड वैक्सीन के बारे में एंड कोविड वैक्सीन से रिलेटेड ये जो वैक्सीन आने वाली थी जो कोविड uh, नाइन्टीन के लिए जो मेडिसिन आने वाली थी अगर इस पर भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट uh, से क्वेश्चन किया जाए तो इस पर भी गवर्नमेंट कैसी होती है प्री वेरिकेटिंग होती है एंड ये प्री वेरिकेटिंग मतलब होता है टू अवॉइड करना या कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रही मतलब कि टाल मटोल करना बात को इधर उधर कर देना इस तरीके से विद नो एश्योरेंसेस कोई भी एश्योरेंस गारंटी हमें नहीं मिल रही कि जो वैक्सीनेशन होगा वो यूनिवर्सल होगा यूनिवर्सल मतलब होता है सभी के लिए विद दी कंसर्न्स कंसर्न्स मतलब चिंताएं ओवर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज एलोकेट होंगे कि नहीं इट कैन बी एनीस केस दैट शाइनिंग न्यू सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर अगेन ये न्यू सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर मतलब कि पार्लियामेंट की बात की जा रही है विल एड टू दी लस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंस जुबली सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो चिंताएं वैक्सीन से रिलेटेड एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड ये इट कैन नॉट बी एनीवंस केस मतलब ये कोई भी एनिवंस केस मतलब ये कोई भी पर्सन नहीं सोच सकता कि इतनी सारी चिंताएं है, 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 है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की ये कभी भी जुबली जो सेवेंटी फाइव इन कंप्लीट होने वाली है इसके लश्कर को ऐड नहीं कर सकती मतलब ये इसे इस बात को ये ज्यादा उठा नहीं सकती लश्चर मतलब होता है शाइन ओके तो ये बात को इतना मजबूत नहीं बना सकती क्योंकि काफी कंसर्न uh, चीजों से रिलेटेड है देर आर ऑल्सो इंडिकेशन दैट सेंटर्स पीडब्ल्यू डी टू मॉडिफाई दीडेवलपमेंट एंड सेंटर्स पी डब्ल्यू डी जो है ये पी uh, डी जो डिपार्टमेंट है ये मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान को ऑन दी गो जो प्लान uh, uh, जो ऑन दी गो है ऑन दी गो मतलब कि इन प्रोसेस है कह सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस पीस मिल आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस पीस मिल पीस मिल मतलब होता है कि छोटे uh, छोटे uh, बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में या हम कह सकते हैं स्लोली कि ये जो प्लान है इसे स्लोली थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब अप्रूवल मिल जाएंगे विच एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी हैज फ्राउंड अपॉन जिसको अप्रेजल कमिटी अप्रेजल कमिटी अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन करना सो so मूल्यांकन करने वाली जो कमिटी है इसने क्या कर दिया फ्राउंड अपॉन एंड फ्राउंड अपॉन इज ऑल्सो फ्रेज विच मींस टू डिसअप्रूव समथिंग किसी चीज पर डिसअप्रूवल दे देना उसे अप्रूव ना करना मतलब सहमति ना जताना या कह सकते असहमति जताना तो so, आगे देखते हैं इन अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इज सीन एज अ ग्रैंड मे बी अपेयर लाइफ सो यहाँ बोला जा रहा है इन द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस ऐसा डिस्ट्रेस ऐसी चिंता ऐसा कंसर्न जो अनप्रेसिडेंटेड है अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो कभी नहीं देखा गया इससे पहले ऐसा कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक हमने फेस नहीं किया है सो so, इन द इफ अनप्रेसिडेंटेडोर वॉट इज सीन एज ग्रो हमें ग्रैंड दिखाई दे रहा है काफी, बड़ा को किया जाएगा, ये किया जाएगा, काफी आलिशान तरीके से जो बताया जा रहा है मतलब दिखावटी दिख सकता है दिख सकता है किन लोगों को स्ट्राइक इन सिटीजन एंड स्ट्राइक इन विच मीन अफेक्टेड या इंजोर्ड कि ऐसे पर्सन जो अफेक्टेड है पैंडमिक के वजह से या जो इकोनॉमी के वजह से अफेक्टेड या इसे हम कह सकते हैं विच आर ट्रबल्ड नीड एवरी रुपी टू स्टेबिलाईज जिनको हर एक रुपए स्टेबिलाईज करने के लगेंगे उनकी जो लाइफ है उनको दे वुड बी जस्टिफाइड इन आस्किंग द गवर्नमेंट वाई हाउस कैन नॉट बी ब्यूटिफाइड आफ्टर द एसेंशियल हैव रूपीज मेड टू डू रेंडर इट सेफ सो यहां बोला जा रहा है कि ये जस्टिफाइड होगा अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लोग जो स्ट्राइक है स्ट्राइक है मतलब जो अफेक्टेड है जो ट्रबल में है जो uh, मुश्किल में है जो इंजोर्ड है सो so अगर ये क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट uh, से ये काफी जस्टिफाइड होगा कि क्यों ये जो हाउस को

Uh, कब जब एसेंशियल रिपेयर्स मतलब कि जो भी हमें लॉस हुए इकोनॉमी में या जो लोगों को जो लॉस हुए इसको रिपेयर करने के बाद the weakest link exposed by the pandemic is health healthcare and the 75th anniversary should be an occasion to guarantee that so bola ja raha hai ki ye jo pandemic jo aaya na covid 19 isse hame ek cheez ka khulasa hua expose hua kya weakest link हमारी जो link है ये weakest है किसमें healthcare केयर में मतलब हमारी इंडिया में जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है ये काफी वीक है एंड ये जो चीज है ये सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी हमारे लिए एक ओकेशन है इसको गारंटी करने की. की मतलब इस चीज को सुधारने की अ न्यू पार्लियामेंट कुड देन बी बिल्ड टू सेलिब्रेट सच अचीवमेंट एंड नया पार्लियामेंट इसके बाद में बनाया जा सकता है जो हमें क्या बताएगा टू बिल्ड टू सेलिब्रेट जिसे हम सेलिब्रेट कर पाएंगे एक अचीवमेंट की तरह कि तब कब जब ये पैंडमिक से रिलेटेड सारी चीजें क्या हो जाए इम्प्रूव हो जाए so this was all about the passage the editorial so let's discuss the important ज बिल्डिंग सेकेंड वर्ड इज इजटिवरिश डिमोलिशन मतलब डिस्ट्रॉय मतलब कर देना रूइन कर देना किसी चीज को तबाह कर देना इपोकल इपोकल एक एड्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है हाईली सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट देन नेक्स्ट इज प्रेस अहेड मतलब टू कंटिन्यू डूंग समथिंग इन अ डिटरमाइंड तरीके से Next word is dismay, and dismay मतलब होता है unhappy, disappointed, या जो distress में होता है चिंता एंग्जाइटी कह सकते हैं uh, कि दो जब दो बुरी चीजें दो खराब चीजें एक साथ होती है उसे हम कहते हैं डबल ब्लो द नेक्स्ट इज डेबिलिटेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एटेनुवेशन डिप्लीशन एग्जॉशन या इसे हम सिंपल uh, लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा वीक कर देना देन प्रिवेरिकेट मतलब होता है टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट और ट्रूथफुल आंसर देना मतलब कि टालमटोल करना जो कि गवर्नमेंट कर रही थी

So, guys, this was all about the passage. Thank you very much. Do like, share, and subscribe my videos. Thank you very much.